सिख के कोई कलगी नहीं लगी होती, गुरसिख के कोई तगमा नहीं लगा होता, गुरसिख के कोई मेडल नहीं पहना होता। गुरु का सिख, गुरु का शिष्य, उसमें सेवा सुमरण का जज्बा होता है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से वो लड़ता ही रहता है और आखिर जीत के हटता है। वो दीनता नम्रता का पुजारी होता है, ईगो अहंकार तो उसके आसपास भी नहीं ठहरता। इसी पे आपको एक बात सुनाते हैं, मालिक के प्यारे होते कैसे हैं। कबीर साहब के पास, कबीर साहब को बहुत से संतों का भी गुरु कहा जाता है, समझदार को इशारा काफी है, बहुत ही उच्च कोटि के मालिक के भेजे हुए अवतार। तो कहते हैं एक बादशाह था इब्राहिम अधम नाम का, और उसको अंदर से भावना जाग गई कि मैंने रूहानियत का, सूफियत का नजारा लेना है, मैंने भक्ति करनी है। वो ढूंढने लगा अफगानिस्तान साइड में, कहीं इधर उधर कहीं भी कोई नहीं मिला। तो आखिर में किसी ने बताते बताते कबीर साहब का पता चला, और लोगों ने बताया कि वहां अहंकार या राजापन मत बनना, नॉर्मल आदमी बन के जाना अगर नजारे लेने हैं तो। तो वो नॉर्मल आदमी बन के गया, देखा कबीर साहब ने उनको पहचाना, जानते नहीं थे, मिले नहीं थे, लेकिन कबीर साहब ने देखा भाई आप कोई बादशाह हैं या कोई बड़े आदमी हैं, तो दंग रह गया। यार फकीर की नजर कमाल की है, कहता जी मैं फला फला देश का बादशाह हूं, लेकिन अब मैं बादशाह नहीं एक इंसान बन के आया हूं, जरा सोचिए बादशाह। कबीर जी कहने लगे भाई फिर हमारे पास क्या लेने आए। कहता जी राम नाम। कबीर जी हंस के कहने लगे मैं जुलाहा हूं, खेस दरिया बुनता हूं, ये सूत कातना पड़ता है, इसे रंगना पड़ता है, इसे सुखाना पड़ता है, बाद में खेसदरियां बनवानी होंगी। तू है बादशाह, तू नहीं कर सकता ये, कर पाएगा ऐसा। बादशाह कहने लगा आप कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता। कबीर जी को खुशी हुई कि बड़ा दीन और बड़ा झुका हुआ एक नम्रतापूर्ण संवाद किया बादशाह ने। कह लेंगे ठीक है, रुको फिर आप हमारे घर में, अब रोज सारा सूत कातना, उसको रंग करना, उसको फिर सुखाना, फिर उसको गड्डी में लगाना, फिर खेस दरिया बुनना। पंजाबी जी कहते राजे की भूत नहीं भूल गई, बुरा हाल हो गया उसका, उसको तो होश नहीं आ रहा किसी चीज का। 5-6 महीने हुए, लोई जो कबीर जी के घर से थी तो करते करते वो सोचा करे कि इसको इतने महीने हो गए अब ये कबीर जी गुरुमंत्र नहीं देते। कुछ साल हुए, कबीर जी को कहने लगी साईं जी आप इनको गुरुमंत्र क्यों नहीं देते। कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे अभी ये इसका बर्तन काबिल नहीं हुआ। तो वाद विवाद संवाद कर लेती थी, एक तो पति थे उनके और एक गुरु थे। कहने लगी जी कमाल करते हो आप, एक राजा है वो रोज सूत काटता है, हमारे साथ कतवाता है, रोज रंग करते हैं हम लोग, सारा काम करता है, सुखा के आता है, उतार के लाता है, खेसदरियों में खड्डी में लगाता है, बुनते हमें वो भी बुनता है, एक बादशाह इससे ज्यादा और क्या झुकेगा। कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे लोही तूने परीक्षा लेनी है फिर। कहते हाँ। कहता ठीक है बाल्टी में ये मिट्टी घोल ले। मिट्टी घोल ली। कहते बादशाह नीचे से गुजरे ना तो उसके सिर पे डाल देना। बादशाह के सिर पे डाल दिया और बादशाह के सिर पे मिट्टी डली, मिट्टी को झाड़ता हुआ बोला बलक बकारे होता करता सो करता। लुई दंग सी रह गई, ये क्या।
कबीर जी के पास लोई वापस आई और आके कहने लगी, कबीर जी मुस्कुराए, हां लोई क्या हुआ? कहती आप धन्य हैं। कहले फिर भी? कहते मैंने मिट्टी डाली और वो कह रहा कि बल्क बुखारी होता करता सो करता, मैं तो यहां हूं इसलिए चुप हूं। कबीर जी कहने लगे उसके अंदर राम नाम कहां धसेगा, उसके अंदर तो अभी बल्क बुखारा अड़ा हुआ है। ये मान बढ़ाई का चक्कर बहुत खतरनाक होता है। 12 साल हो गए यूं करते करते, लोई बोली नहीं, क्या बोलने का कोई फायदा नहीं, ये तो मेरा गुरु मालिक ही पहचान सकता, मैं नहीं पहचान सकती। कबीर जी कहने लगे लोई अब ये काबिल हो गया भाई। लोई हाथ जोड़ के कहने लगी जी साईं जी माफ करना, जैसे पहले था मुझे तो आज भी वैसे ही लग रहा है। कहने लगे फिर ऐसे कर, पहले तूने मिट्टी डाली थी? कहते हाँ। अब तू चाहे किसी की भी बंदों की गंदगी, पशुओं की गंदगी, जो भी पड़ी सारी घोल ले, घोल के जब ये मकान के नीचे से गुजरे तो ऊपर खड़ी हो जा। अब की बार ऊपर से डालना, दरवाजे से नहीं, ताकि अच्छी तरह भर जाए। कहती ठीक है जी। ऊपर चली गई, जैसी बादशाह वहां से गुजरा उसके सिर पे पूरी बाल्टी उंडेल दी, उसमें आदमी की पशुओं की सारी गंदगी भरी हुई थी। और बादशाह ने सामान नीचे रखा, हाथ जोड़े ऊपर किया, हे डालने वाले भगवान तेरा भला करे, मेरा मन जालिम इसी के काबिल था, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। लोई का बराग छूट गया, रोने लगी, पसीने छूट गए, वापिस आई। कबीर जी कहने हां लोई क्या हुआ? कहने लगी साईं जी आप धन्य हैं। अब उसने ये बोला कि डालने वाले भगवान तेरा भला करे, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। कहते अब इसके अंदर ना तो कोई बल्क बुखारा है, ना कोई आडा तिरछा कुछ और चक्कर है, अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। जैसे आपा खेस दरी धो लेते हैं, सूत जो मर्जी रंग चढ़ा दें कच्चे सूत पे चढ़ता चला जाता है, लोई अब इसमें रंग देखे ना कैसे चढ़ता है। राम नाम में दिया गुरुमंत्र देते गए कबीर जी और उनकी सुरत दसवें द्वार से पार होती, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करने लगी, नाम देते 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 देते। और जब आंखें खुली तो आंसुओं की झड़ी थी, बैराग था, कबीर जी के चरणों को पकड़ लिया, हे साईं मुझे माफ कर दे। कबीर जी लगे लगे भाई क्या हुआ? मुस्कुरा के कहते पहले ये बोलो मुझे माफ करोगे? कहते हाँ हाँ करेंगे माफ, बता तो सही बेटा क्या हुआ? मैं तो आपको एक संत फकीर ही मानता रहा, मैं जब भक्ति करके ऊपर गया सचखंड में भी आप ही बैठे थे, आप ही मेरे भगवान हो, मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, 12 साल में मैं पहचान नहीं पाया कि ये जो फकीर है इसका जो शरीर है दिखने में लगता है असल में भगवान काम करता है। कबीर जी कहने लगे किसी को मत कहना, जिसकी आंख होती है उसी को पहचान होती है, दूसरों के लिए इसका कोई मूल्य नहीं होता। कबीर जी कहने लगे अब तू वापिस जा, तेरा यहां तेरा दिल करेगी, अब तू भक्त बन गया है, सुमरण करते रहना, भक्ति करते रहना, दीनता नम्रता पकड़ के रखना। चला गया और कहते हैं वो अपने राज्य की सीमा में बैठ गया जाके, कपड़े फटे हुए बुरा हाल, और वहां बस अपना मालिक अल्लाह अल्लाह राम राम करता रहा। जिस वजीर को उसने अपना राज्य सौंपा था वो पूरी आर्मी लेके बच्चों को लेके आया, जब पता चला कि बादशाह आके वहां फकीर बना बैठा है, कहता लो जी ये लो आपके बच्चे, ये आपका राजपाट, मेरी तौबा मैं नहीं चला सकता। तो आगे से इब्राहिम अदहम कहने लगा, अरे ओ मैं फानी दुनिया का बादशाह नहीं, मैं बेगमपुर का बादशाह बन गया हूं, मेरे गुरु ने मेरे मुर्शिद ने मुझे वो सौंप दिया, अरे ये बादशाह क्या चीज है, मैं तो ठोकर मारता। वजीर कहने लगा आप तो ठोकर मारते हैं, मेरे तो गले में आफत है, देखो कितने नौकर चाकर, आपका महल फटी हुई गुदड़ी आपके नीचे है, फटे हुए कपड़े आपके ऊपर हैं, सुई से सिल रहे हो, क्या मिलता है आपको? चलो ये सेना देखो, घोड़े हाथी सब आपका, लाओ लश्कर। इब्राहिम आदम मुस्कराया, कहने लगा अच्छा
तेरी सेना हर काम कर लेती है? कहते हां, सुई थी हाथ में, सुई मारी समुंदर में चक। कहते वजीर, वजीरे आला, तेरी सेना को कह मेरी सुई ढूंढ के ला दे। समुंदर में सुई फेंक दी, समुंदर में तो आदमी ना मिले। अब वजीर ने कहा बादशाह की मानता नहीं, कहीं और ही ना गड़बड़ हो जाए। उसने लगाया अपने वजीरों को, सबको कोई किनारे में ही फेंकी है, तो नीचे से मिट्टी मुट्टी निकाल के लाए, लगे रहे दो चार दिन, जितने दिन लगना था, सुई नहीं मिली। तो फकीर मुस्कुराया, वो बादशाह जो था, कहने लगा क्यों वजीरे आला, क्या हुआ? क्या तौबा, हे साईं, हम नहीं ढूंढ सकते ये। अजी समुंदर में आपने सुई फेंकी, जान की माफी हो, समुंदर में तो हाथी फेंके तो वो ना मिले, सुई कहां से मिलेगी? कहने लगे बस ऐसे लाओ लश्कर लेके घूम रहा है, बनता बादशाह इतना बड़ा। कहते अभी देख, मैं करता हूं प्रार्थना अपने बादशाह से। तवज्जो दी, मालिक को याद किया, तवज्जो दी, अंदर से एक मछली निकली, छलांग मारी फकीर की झोली में और मछली के मुंह में सुई, सुई पकड़ी, मछली को वापस भेज दिया। कहता ये ले, अब बोल तेरी बादशाहत बड़ी कि मेरे वाली की। वजीर भी उसका मुरीद हो गया, सारी सेना ने गुरुमंत्र ले लिया, नाम ले लिया, आगे मालिक जाने, इतनी हिस्ट्री में नहीं जाती। तो यहां दीनता नम्रता है तो सारा कुछ है, अगर आप अहंकारी हैं, और आज का युग ही ऐसा है, हम कहने से रुकते नहीं। कईयों ने, एक तो ने हमें बताया था कि शायद यहां कहीं दुकानों पे किसी ने कहा कि मेरे ऊपर कूड़ा डाल दे, पहले तो कह के कूड़ा डलवाया और फिर बाद में बोला मालिक तेरा भला करी। वो अलग ही इब्राहिम आदम बन गया, बड़े हंसे थे हम लोग वहां बैठ के। कहता जी उसने पहले तो कहा कूड़ा डालो और फिर खुद ही कहता कि मालिक।